दरवाजा था। जब दरवाजे के पास आया तो खड़ा हो गया। गुरु जी ने पूछा क्या हुआ, बाहर आओ। कहता मेरी सींग अड़ रही है। क्या समझे? वो कहने लगा कि मेरे जो सींग हैं वो अड़ रहे हैं दरवाजे से, मैं बाहर नहीं आ सकता। इतना कहकर पीछे हो गया। गुरु ने लाज उसे समझाया। वो कहता नहीं, यानी इस समय उसकी बैल के आकार में वृद्धि हो गई और बैल रूप में अपने आप को देखने लगा। फिर गुरु ने पीछे से जाकर के उसके ला करके दरवाजे पर जोर से धक्का दिया। धक्का दिया, एकाएक वो बाहर आया। क्यों बाहर निकला? बाहर निकलते ही उसकी समाधि लगी। समाधि तो पहले लगी थी, पहले बैल के रूप में थी, अब वो आप रूप में हो गए। ये एक ध्यान की प्रक्रिया है, योग की प्रक्रिया है। कई बार ऐसा हुआ है, ये बिल्कुल तथ्य है कि जो आपको बहुत प्रिय लगता है उसका आप ध्यान कीजिए और थोड़े दिन पश्चात जब आंख बंद करेंगे तो आपको लगेगा कि आप वही हैं। दूसरे को आप अपने में देख नहीं सकते। आपको आज भी भारत में कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मेरे साधन काल में मेरे साथ हैं और वो आपको कहानियां सुना सकते हैं। कुछ कुछ मुझे भी याद है, उसमें मैं आपको एक तो बताऊं। मैं कभी कभी बाहर निकलता चलने के लिए तो मुझे ऐसा लगता कि मेरा सर जो है वो जो पेड़ आ रहा है उसकी डाल आ रही है उससे न लग जाए। और यदि बड़ा से बड़ा दरवाजा हो तब भी मैं ऐसे झुक करके निकलता था कहीं मेरा सर इसमें न लग जाए। इतना ही नहीं, कई बार मैंने नहीं, मैं तो अपने मस्ती में होता था, लेकिन मेरे कई ऐसे शिष्य आए, दरवाजा खोले और चीख करके वो गिर गए क्योंकि उनको अंदर मैं नहीं दिखाई दिया। मेरी जगह पर एक विशाल काय बंदर बैठा हुआ दिखाई दिया। और कभी कभी मैं चलता तो मैं पीछे देखता कि मेरी पूंछ कहां तक है, जानते हो क्या? मैं भगवान मारुति के साथ इतना एक हो गया था कि हमें पता ही नहीं लगता था कि यह शरीर हमारा है या उनका, इतना तादाद हो चुका। और ये एक दो दिन नहीं रहा, एक दो वर्ष नहीं रहा, बहुत लंबे पीरियड तक रहा। उस स्थिति को यानी दूर करने में हमें कई वर्ष लगे थे, कई वर्ष। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ये निश्चित यानी प्रक्रिया है जिसका आप चिंतन करते रहोगे धीरे धीरे उसी की स्थिति होती चली जाएगी और तादाद हो जाएगा उससे फिर आपका, और फिर आप अपने में उसी का अनुभव करने लगोगे, फिर वही रह जाएगा, आप नहीं रहोगे। बिल्कुल मेरी अनुभूत बात है। आज भी कई ऐसे मेरे शिष्य हैं जो उन दिनों मेरे साथ थे, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये यथा अभिमत ध्यानाद्वा, कौन आपको प्रिय लगता है? कोई जरूरी नहीं को परमात्मा ही हो, देवता ही हो, ना ना, आपको प्रिय कौन लगता है? इसमें आपका एकाएक मन जो आप साधन करने जाते हो ना, कोई गुरु पूछता है आपका इष्ट कौन है, इसका अभिप्राय नहीं कि जो इष्ट आपका हो वो सबसे महान है, हो ना ना, आपका मन आसानी से किसमें लग जाए, जिसमें आसानी से मन लग गया वही आपका इष्ट है और धीरे धीरे उसका चिंतन करते करते तादाद हो जाए। हनुमान का चिंतन करते करते उनसे तादात्म्य हो गया, अब उनसे तादात्म्य होने पर अब वो जिसका चिंतन कर रहे हैं जिससे उनकी तादात्म्य स्थिति बनी हुई है, धीरे धीरे उससे हो जाती है। हम इसी रास्ते से गए, हमारे ही रास्ता रहा। और
और उस समय मैंने कई दोहे उस समय लिखे हुए हैं अपनी अनुभूति के, उसमें एक दोहा ये भी है, रोम रोम में रंग रहे हो राम तुम्हारो नाम, जा और क्या भाव रही कहा और सो का। तो धीरे धीरे जैसे मारुति का स्वरूप सारा राम राम के सिवा कुछ नहीं है, राम अक्षर जो है, नाम जो है, यही हनुमान की मूर्ति के रूप में परिणित हुआ है, ऐसा हमारा सिद्धांत है, हमारे यहां से समझाते हैं। ये जो श्री मालती का विग्रह देख रहे हो, ये विग्रह कुछ नहीं है, क्यों राम ये दो अक्षर जो है वही आकृति ग्रहण करके हनुमान रूप में विराजित है, ये हमारे यहां शिक्षा दी जाती है साधना। और धीरे धीरे वो सारा का सारा जो स्वरूप था वो राम शब्द में हो गया, अपने आप परिवर्तित हो जाता, क्रम है साधना की। तो इसमें यह बताया गया कि जिस प्रकार का आप चिंतन करते रहेंगे, जिसका ध्यान करेंगे, जिसका चिंतन करेंगे, तादाद आपकी वृद्धि हो जाएगी, ये सच बात है। अब भगवान कहते हैं कि जो जिस प्रकार की बुद्धि वाला है उसी का चिंतन करेगा, जिसकी जहां मान्यता है उसी का चिंतन होगा ना। तो भगवान ने कहा कि सत्वान रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, हे अर्जुन सबकी श्रद्धा जो है वो उसके बुद्धि के अनुसार हुआ करती है, सबकी श्रद्धा एक नहीं हो सकती। सत्वानुरूपा माने बुद्धि अनुरूपा, और श्रद्धामयो अयम पुरुष, ये पुरुष जो है श्रद्धामय है, यह श्रद्धा स एव स, जिसकी जहां श्रद्धा है वो वही है, यह श्रद्धा स एव स, जिसकी जहां श्रद्धा है वह वही है, उससे अतिरिक्त उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है। व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है? उसकी श्रद्धा, और श्रद्धा का आधार क्या है? उसकी बुद्धि। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है? उसकी बुद्धि, जैसी बुद्धि है वैसा व्यक्ति। दुनिया में आप देखिए व्यक्ति की कीमत किससे है? उसकी बुद्धि से है। देखने में बड़ा सुंदर हो, बड़े अच्छे आंख कान नाक मुंह ऐन तीखे सब सुडोल भरे हुए हो, लेकिन यदि बुद्धि का दिवाला निकला हुआ हो तो किसका। इंग्लैंड में बहुत बड़े दार्शनिक थे, उनका नाम था बर्नार्ड शॉ, नाम सुना होगा आप लोगों ने। उनका स्वरूप बहुत सुंदर नहीं था, बताते उनको चेचक निकला था चेचक शरीर पर, इसलिए चेचक से उनका मुख खराब हो गया था, इसलिए बहुत सुंदर नहीं थे वो। उनके समय में एक स्त्री यूरोप की सुंदरी चुनी गई, जब यूरोप की सुंदरी चुनी गई तो उसने ये निश्चय किया कि मेरे में सौंदर्य तो बहुत है, मेरे समान अब कोई सुंदर नहीं क्योंकि मैं सुंदरी चुनी गई हूं यूरोप की, लेकिन कहीं कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान से मेरा विवाह हो जाए तो हमारे दोनों के योग से जो संतान होगी वो कितनी अच्छी होगी। उसने निश्चय किया कि हमें शादी करनी है बर्नार्ड शॉ से। बर्नार्ड शॉ ने शादी नहीं की थी, आजीवन वैसे रहे हो, तो उसने निश्चय किया कि बर्नार्ड शॉ से शादी कर। वो पहुंच गई शाह के पास, उसने प्रार्थना की, कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती। बर्नार्ड शॉ ने कहा कि भाई एक तो हमारे तुम्हारे एज में बहुत अंतर है, और दूसरा हमारे तुम्हारे शक्ल में बहुत अंतर है, और तीसरा हमारा तुम्हारा रास्ता अलग अलग है, तू मेरे से शादी करने क्यों आई? क्या बात, क्यों चाहती मेरे से विवाह कर? उस सुंदरी ने कहा कि मैं इसलिए आपसे विवाह करना चाहती हूं कि आपका ज्ञान और मेरा सौंदर्य यदि दोनों मिलकर के एक किसी व्यक्ति के रूप में प्रकट हो जाए तो दुनिया में महान होगा, क्योंकि यूरोप में आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है और यूरोप में मेरे से अच्छा सुंदर कोई नहीं है। बर्नार्ड शॉ ने कहा कि देवी ये बता,
यदि दुर्भाग्य से इसका उल्टा हो जाए, मेरी सकल उस संतान को मिल जाए और तेरी अकल मिल जाए, तब क्या होगा? मेरे पास सकल नहीं है, अकल है। तेरे पास अकल नहीं है, सकल है। दोनों के पास दो चीजें तो है। लेकिन कहीं हमारे साथ विवाह करो, जो संतान हो उसमें तुम्हारी तो अकल आ जाए और मेरी सकल चली जाए, फिर क्या होगी इसकी? इसलिए मैं ऐसी गलती नहीं करता। तो मैं आपको बता रहा था कि व्यक्ति बहुत सकल वाला हो जाए, सुंदर हो जाए, लेकिन अकल ना हो तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापदंड जो है वो उसकी बुद्धि है। ये बात याद रखो। सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे ग्रंथ, सब कुछ उसकी केवल बुद्धि पर अवलंबित है। आप लोग देख रहे हो गीता पे ही है ना, और आज तक कम से कम हजारों व्यक्तियों ने इस पर कमेंट्री की होगी, की है, और सबने भिन्न भिन्न दृष्टि से की है, क्योंकि उनकी बुद्धि भिन्न भिन्न स्तर की रही है। हम उसके ऊपर अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, हम अपनी बुद्धि के अनुसार कर रहे हैं, और हो सकता है कल कोई दूसरा आवे और हमारी बुद्धि को भी काट करके अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी बात कहे। इसकी कोई मिति तो है नहीं। बुद्धि तो परमात्मा की विभूति है। बुद्धिम बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। भगवान कहते हैं बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। तो परमात्मा की विभूति का कहीं अंत हो सकता है? कहीं नहीं हो सकता। लेकिन इतना जरूर है कि जिसमें जितनी मात्रा में विकसित बुद्धि है वो उतनी मात्रा में महान पुरुष कहा जाता है। भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरी उपासना न कर देवताओं की, यक्षों की, भूतों की उपासना करते हैं, उसमें उनकी बुद्धि कारण है, उनका क्या दोष है? और उनकी बुद्धि को देख करके ही गुण कर्म विभाग से, उनकी बुद्धि को देख करके ही मैंने समाज में चार वर्ग बना दिए और चारों वर्गों के लिए चार प्रकार के कार्य निर्धारित कर दिए। चारों वर्गों के लिए चार प्रकार के कार्य निर्धारित कर दिए कि उनके भिन्न भिन्न गुण हैं, उनके भिन्न भिन्न स्वभाव हैं, इसलिए उनकी भिन्न भिन्न अवस्थाएं। एक बात भगवान ने जरूर कही, बात तो बहुत महत्व की है, आगे बताएंगे, लेकिन यहां पर आप लोग इतना समझ लें, भगवान कहते हैं कि ये चारों वर्णों का विभाजन मैंने किया है। तस्य कर्तारम अभिमान विद्य अकर्तारम अव्ययम का, मुझ अविनाशी को उन चारों का कर्ता होते हुए भी अकर्ता ही जान, क्योंकि मैंने जो विभाजन किया है वो अपनी रुचि से नहीं, फिर उनके गुण और कर्म के अनुसार किया है। जैसे कोई व्यक्ति आपके किसी पदार्थ का बंटवारा करता है तो उसमें से किसी को कम मिलता है या किसी को ज्यादा मिलता है, तो उसमें कम ज्यादा देने वाला वो नहीं है, फिर वो तो उसमें आपका शेयर उसमें जितना है उतना वो दे रहा है। तो समझे, कम ज्यादा वो अपनी तरफ से नहीं दे रहा। आपके जैसे एक न्यायाधीश बैठा हुआ न्याय पर, तो न्यायाधीश किसी को दंड दे रहा है और किसी को मुक्ति दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, तो न्यायाधीश अपनी तरफ से नहीं कर रहा है कुछ, वो तो न्याय के अनुसार कर रहा है, जो न्याय कहता है उसको उसने कर दिया। अब वो न्याय सही हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन भगवान का किया हुआ न्याय तो गलत हो नहीं सकता, वो तो अंतर्यामी है, वो तो सब जानता है। तो चार वर्गों का विभाजन और समाज में स्वतः हो जाता है, स्वतः, ये बात याद रखिए। इस समाज में स्वतः चारों वर्गों का विभाजन हो जाता है। एक परिवार में एक बाप के चार बच्चे हैं, हो सकता है उसमें से कोई शिक्षक हो जाए, हो सकता है कोई उसमें से मिलिट्री में चला जाए, वॉरियर हो जाए, हो सकता है कोई उसमें से अनपढ़ रह करके लेबर करे, क्या करो, अब कोई बिजनेसमैन बन जाए। लेकिन भगवान कहते हैं इसकी दृष्टि से, इस दृष्टि से वो छोटा बड़ा नहीं हुआ, समाज में उसकी क्लास तो भिन्न भिन्न हो गई, लेकिन पिता की दृष्टि से उसमें भिन्नता नहीं है, पिता का तो पुत्र है। इसी रूप से भगवान कह रहे हैं,
कि समाज की वर्ग व्यवस्था में तो चार वर्ग है, लेकिन मेरी दृष्टि में वो चार वर्ग नहीं है, मेरी दृष्टि में तो सब मेरे ही अंश है, मेरे ही संतान है। ये खास बात है गीता में समझने की। इसीलिए गीता ने कहीं पर अछूत को, गीता में कहीं पर यानी चतुर्थ वर्ग को परमात्मा को प्राप्त करने का अनधिकारी घोषित नहीं किया, नहीं किया। गीता ने यही बताया कि कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, अपिचे सुदुराचारो भजते माम नन्दवा, कौन हो, भगवान ने कहा स्त्रियो वैसा सा शूद्रा, शूद्र ही क्यों हो, ते व्यांत परांगति, वो भी परम गति को प्राप्त कर लेता है। यहां पर क्योंकि परमात्मा की दृष्टि से वहां भिन्नता नहीं है, इसका बड़ा सुंदर स्पष्टीकरण तुलसीदास ने रामायण में किया है। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुण शील अचारा, को पंडित तापस को ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता, को पित बचन भगत मन कर्मा, को पित भगत बचन मन कर्मा, सपने जान न दूसर धर्मा, सो सुत प्रिय प्रिय पित प्राण समाना, जद्य सो संभाति अयाना। उनके कहने का प्राय कि एक पिता के जैसे अनेक पुत्र हों और वो भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हों, भिन्न भिन्न गुण वाले हों, भिन्न भिन्न कर्म वाले हों, भिन्न भिन्न पोजीशन वाले हों, को धर्मज्ञ को तत्वज्ञ धर्मरथ कोई, सब पर पिता प्रीति सब होई। लेकिन पिता का प्रेम सब पर बराबर का है, पिता के लिए सब उसके पुत्र हैं। हाँ इतना जरूर है, भगवान कहते हैं इतना जरूर है कि उन सारे पुत्रों में से एक ऐसा पुत्र हो जो पिता के सिवा और किसी को जानता ही न हो, रातों दिन पिता की सेवा में लगा हो। तो स्वाभाविक है कि जब पिता के धन के अधिकारी तो सब बराबर के होंगे, लेकिन पिता के सूक्ष्म धन जो है, प्रेम धन ज्ञान धन, उसके अधिकारी सब बराबर के नहीं हो सकते। हम देखते हैं एक गुरु के पास अनेकों शिष्य रहते हैं, अनेकों शिष्य रहते हैं, और गुरु के सब शिष्य हैं, अपने अपने भावानुसार गुरु में सबकी आस्था भी है, लेकिन उनमें से जो पूर्ण समर्पण भाव से, जो पूर्ण आत्मीयता के साथ उनके साथ अटैच्ड रहता है, स्वाभाविक है वह गुरु के ज्ञान को, गुरु के प्रेम को, गुरु की आत्मीयता को अधिक मात्रा में प्राप्त कर लेता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। मुझे इसका पूरा पता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं जब अपने गुरुदेव के चरणों में पढ़ने के लिए गया तो हमारे जितने अन्य साथी स्टूडेंट थे सभी अच्छे पढ़े लिखे थे, वहां कोई मैट्रिक से कम कोई नहीं था, कोई बीए थे, कोई एमए थे, कोई शास्त्री थे, मैट्रिक से कम कोई नहीं था, मैं ही एक था जो यानी उस क्वालिफिकेशन की दृष्टि से अनपढ़ था, लिखना और पढ़ना इतना जानता था, तीसरी चौथी जमात पढ़ा था और इससे ज्यादा मुझे आता नहीं था। लेकिन जब गुरुजी पढ़ाते थे तो एक तो हम उनके केवल, हमें पता नहीं होता था कि उस समय कितने लोग यहां बैठे हैं और कौन क्या कर रहा है, केवल उनके इस मुखारविंद के सिवा, जो बोल रहे थे उसके सिवा हमें कुछ न पता चले क्या हो रहा है, एक तक देखता। और दूसरा हमें शुरू शुरू में दुख बहुत होता था क्योंकि मैं लिख तो सकता नहीं था, जो बोलते थे दूसरे लिख लेते थे, हालांकि उससे मुझे लाभ होता था लेकिन हमें पता नहीं था कि मुझे लाभ हो रहा है, क्योंकि जो लिखते थे वो सोचते थे कि लिख लूंगा बाद में याद करूंगा, और हमें ये होता था कि मुझे लिखना तो आता नहीं, तो यदि कोई बात रह गई तो फिर हमें कैसे पता चलेगा। इसलिए हम एक यानी चित्त होकर के गुरु जी की तरफ देखते रहते, उनकी एक एक बात को
हृदय में उतारने की कोशिश करते कि कोई मिस ना हो जाए। जो दूसरे पढ़े लिखे थे ना वो नोट लेते थे हाथ में बैठे हुए, सबके हाथों में किताब होती थी। हमारे हाथ में केवल जब गीता पढ़ाते थे, गीता में जो ग्रंथ पढ़ाते थे वो ग्रंथ होता तो वही देखते थे बस। अच्छा, अब रोज का ये नियम था कि जब क्लास बंद होती तो उसके बाद में सब आते, गुरु जी को प्रणाम करते सबसे पीछे में, तो गुरु अपने गुरु जी गल में माला डालते, जब बैठते हो गद्दी पर तो माला पहनाई जाती रोज, तो माला निकालते और मेरे गल में डाल देते, रोज का उनका काम था। अब जब बहुत दिन हो गए तो वो जो हमेशा साथ रहते थे, उनके व्यवस्था करते थे, वो सब मेरे से जलने लगे। गुरु जी से कहा एक दिन सबने मेरे सामने कहा, गुरु जी कभी कभी मुझे हम लोगों को भी प्रसाद दे दिया करो, ये प्रसाद आप इन्हीं क्यों देते हो। गुरु जी एक दिन हंसते हुए मुझसे कहा बात यह है कि तुम लोगों को अपने पढ़ाई लिखाई का भरोसा है और इसे तो केवल मेरे प्रसाद का ही भरोसा है। ये उनके शब्द। और उसके पश्चात जब उनका 108वां वर्ष गांठ हमने मनाई, हम सबने मिलकर के, देखिए संस्कार, ज्योति जी मेरे साथ गए थे ना, और भी मेरे शिष्य थे, तो अब वो अभिषेक पर बैठे, चारों वेदों के पाठ से उनका अभिषेक हुआ, और अभिषेक होने के पश्चात उनके गल में माला पड़ी थी यहां से लेकर पांव तक। अब हर एक शिष्य की ये चाहती कि ये प्रसाद किसे मिलता है। हम भी सवेरे से खड़े थे लेकिन हमें ये चाह नहीं थी कि, कभी सोचा भी नहीं हमने, क्योंकि उन दिनों हम तो रहते नहीं थे गुरु जी के पास, हम तो बाहर ही रहते थे। जो गुरु जी की सेवा में हमेशा रहते थे 24 घंटे, उनको खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना सारा काम करना, तो स्वाभाविक था उनको यानी ज्यादा यानी प्यार मिलता, प्रसाद मिलता। अच्छा, जब अभिषेक हो गया तो गुरु जी ने सबको आज्ञा दिया कि भाई तुम लोग जाओ अब थोड़ा पानी पी लो, क्योंकि हम लोग सब प्यासे रहे, सवेरे से शाम 4 बजे समय था। चले गए, जब हम चले गए तो गुरु जी जब गद्दी से उठने लगे तो उन्होंने देखा उनके गल में माला, तो सबसे पहले पूछा बावरा कहाँ गया। अब लोगों को ये लगा कि क्या करें, तो कहा कि तो आपने तो आज्ञा दिया, गुरु जी वो गए कुछ सवेरे से, उन्होंने पानी नहीं पिया था तो अब वो जलपान करने चले गए। तो उन्होंने अपने जो उनके पास रहा करता था लड़का उसको हाथ में दिया, कहा कि ले जाकर उसके गल में पहना। अब लोगों को लगा कि अभी इतने वर्ष हो गए गुरु जी की वो बात अभी भी इनके ध्यान में। तो हम लोग बैठे हुए थे, अभी हम बैठे ही थे, अभी प्रसाद लेना शुरू नहीं किया था, और ज्योति जी कहने लगे कि आप 4 बज गया है, अब तो पानी पी लो, अब तो हो गया सारा। तो उसने मुंह लेकर के आ गया, हम कहा अरे भाई सखा जी हम लोग कहते उन्हें, वाकई भाई सखा जी क्या बात, क्या बात भाई पुरानी है और कुछ नहीं है, माला है आपकी। तो मेरे कहने के प्राय की ये जो भाव है ना, भाव ये एक अपने में अद्भुत चीज होता है, और इसके इससे बढ़कर के और कोई वस्तु नहीं है जो कि अपने इष्ट को या अपने आराध्य को द्रवित करने वाली। तो भगवान यही बात कहते हैं रामायण में कि यद्यपि सब परमात्मा के पुत्र हैं, सब हमारी संतान हैं, लेकिन जिनको केवल मेरी ही गति है और जिनको किसी कोई दूसरी गति नहीं है, किसी को धन का बल है, किसी को ज्ञान का बल है, किसी को पांव का बल है, किसी को अपने अनेक प्रकार के बल हैं, अनेक प्रकार की गतियां हैं, लेकिन जिनको केवल मेरी गति है और किसी की गति नहीं है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि भगवान ने जो डिस्टिंक्शन किए या विभाजन किए या 4 वर्ग बनाए उसमें भगवान कारण नहीं है, उसमें कारण है उन व्यक्तियों का गुण और स्वभाव, गुण और कर्म। यही बात यहां पर कहा, चातुर्वर्ण म्यासृतम गुण कर्म विभाग, गुण और कर्मों के अनुसार हमने 4 वर्ग बनाए। तस्य कर्तारम अभिमान विद्धि अकर्तारम अव्ययम, उनका कर्ता होते हुए भी मुझे तू, मुझे अविनाशी को तू अकर्ता ही जा, क्योंकि मैं उसमें कारण नहीं हूं, मेरी इच्छा उसमें कारण नहीं है,
उसमें उस व्यक्ति का चेतना का स्तर जो है वो कारण है, व्यक्ति के जीवन का स्तर जो है वो कारण है। और जीवन का स्तर कैसे है? गुणों के नाते, और इन गुणों के आधार पर ही व्यक्ति के जीवन का स्तर मापा जाता है। हाँ, इतना जरूर है, ये नहीं है कि जो आज निचले वाले तमोगुण के स्तर पर व्यक्ति है अब उसे सत्वगुण में नहीं जाना। विभाजन किया इसलिए कि वो अपनी अवस्था को समझे और जहां है उससे ऊपर उठने की कोशिश करे। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था का यही रहस्य समझाया गया है। वर्ण व्यवस्था का ये प्रयोजन नहीं है कि जो जहां है वही बैठा रहे। कैटेगरी में आने से उसको समझ में आ जाए कि मैं किस क्लास में हूं। जैसे आप पढ़ते हैं और आपको डिवीजन मिलती है, हर 3 महीने बाद इम्तिहान होता है या हर महीने बाद इम्तिहान होता है तो आपको डिवीजन मिल जाता है। अब यदि मास्टर आपको थर्ड डिवीजन देता है, इसका अभिप्राय नहीं कि वो चाहता है कि आप थर्ड डिवीजन में ही रहे, उसका क्या प्रयोजन है? आपको समझा दे कि तुम इस ग्रेड में हो, इफ यू वांट यू कैन वर्क हार्ड एंड यू कैन अपलिफ्ट योर इंटेलेक्चुअल लेवल, यू कैन अचीव हायर ग्रेड। ग्रेड में बताने का अभिप्राय ही होता है, उसे कोई दुश्मनी नहीं है उसकी। ये तो आप लोग जानते हो, पढ़ाते हो, बहुत लोग पढ़े तो सभी है, पढ़ाए भी है, कुछ इतना पता है। तो ये जो ग्रेडेशन है, यही ग्रेडेशन है भगवान की दृष्टि में। जो लोग कहते हैं भारत में ये 4 वर्ण बन गया है तो अनर्थ, अनर्थ नहीं है, ये तो विकास की एक दिशा थी। अनर्थ तो इस वर्ण को जाति मानने में हो गया, अनर्थ जाति का हुआ, अनर्थ को जाति मानने में हुआ, वर्ण को जाति मान लिया हमने, ग्रेड को ही व्यक्ति का यानी धर्म मान लिया मैंने हमने, ये भूल हो गई। हमने सोचा कि जो आज यानी चौथी ग्रेड में आया अब उसको पहली ग्रेड में जाने का अधिकार खत्म हो गया, ये गड़बड़ हो। यदि ये गड़बड़ ना हो और उस ग्रेडेशन के अनुसार व्यक्ति को जब पता चल जाए कि मैं चौथी ग्रेड में हूं तो कोशिश करे कि भाई चौथी से तीसरी में जाए, तीसरी से दूसरी में जाए, दूसरी से फर्स्ट ग्रेड में जाए। यदि कोशिश करता है तो बहुत अच्छी बात है, वो अपने आप को ऊंचा उठा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि यहां ग्रेडेशन बनने के बाद उसको उसका रास्ता ही बंद कर दिया गया। रास्ता क्यों बंद किया गया जानते हो? यदि ग्रेड के अनुसार होता तो रास्ता बंद ना होता, उसको जाति मान लिया गया, वहां से रास्ता बंद हो गया। कहा ये तो पैदा इसी अवस्था में हुआ है, हम क्या करें, ये तो पैदा इसी अवस्था में हुआ। यानी इतनी भ्रांतियां इसके पीछे यानी उठाई गई जिसका यानी बड़ा ही दुखद परिणाम हुआ है भारत के लिए। मनुष्य के 4 अवस्थाओं को, 4 स्तर को, 4 वर्गों को, 4 जाति बना दिया। जाति माने होता है जन्म जात जो स्थिति हुई, और वर्ग माने होता है गुण और कर्म के अनुसार जो स्थिति हुई। एक मेरे शिष्य, उनकी कहानी सुनाऊं आपको। भारत में एक गरीब परिवार में पैदा हुए, 5 वर्ष की आयु में उनके पिता माता दोनों की मृत्यु हो गई। एक बड़ा भाई था 8 साल का, वो 5 साल का। जब थोड़े से और बड़े हुए, आज मर गए तो माता पिता, अब कोई संभालने वाला नहीं था, उनका एक चाचा था। चाचे ने सोचा कि यदि बच्चे रह गए तो अधिकार मांगेंगे, तो उसने कोशिश की कि ये बच्चे किसी भी प्रकार से या तो खत्म हो जाए या तो हट जाए। लेकिन उसकी एक बहन थी बड़ी, उसकी शादी हो चुकी थी। बहन को जब पता चला तो वो आई और उन दोनों भाइयों को अपने ले गई अपने घर। लेकिन जब घर ले गई तो उसका जो पति था ना, बहनोई उनका